ये समझा जाता है कि ये पता नहीं कहाँ से चल के आ गया। हमें तो मीनिंग भी मुझे ना मालूम नहीं था कि इनकम टैक्स का क्या मीनिंग था। जब मैं महकमे में आया, मैं रोटी के लिए आया था। ठीक है, एसोसिएशन चलाई है, फेडरेशन चलाई है, और मुझे ये पर्सनल ना माना जाए तो आज मुझे इतना तो अधिकार मिलना चाहिए कि मैंने उस शख्स के पाँव नहीं छुए जिसको मुझे पता नहीं था वो इतना बड़ा आदमी होगा, जिसके साथ मैंने 20 बार कॉफ़ी पी है और मैं हाथ में लाता रहा। काशीराम जी, मैं अध्यक्ष था दिल्ली का, तो आते थे वो पर्ची वर्चे लेते आते थे, 20-20 रुपये की पर्चियाँ लेके आते थे, और हम उनके साथ रहे। पर आज जो माहौल है, जब तक भी वो बाम सेफ था, DS4 था, हमने काम किया, DSP बनने के बाद मैंने कभी नहीं कहा। मेरे मित्र गए, उनके इनकम टैक्स की रेड भी हुई, CBI की रेड हुई, क्योंकि कांग्रेस ने की। हम एक बंद के रह के चलने वाले लोग थे, और एक फेडरेशन का सेक्रेटरी जनरल होकर मैंने इंडिया में काम किया। रामराज पहली बार मैंने दिल्ली में प्रेसिडेंट बनाया था, जो हमारे ग्रुप से निकल गया, और हमें खेद हुआ कि हमारी कहाँ कमी रहेगी उसको परखने में। पर आज जो माहौल, आज मैं सुनने में आया, इतनी देर से मैं बैठा हूँ, कई घंटे हो गए, एक बात तो हमारी समझ में आई है कि दो एजिटेशन मैंने बढ़िया देखे, और वो दोनों सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुए, उन जजों की वजह से हुए जिनकी मानसिकता उभर के आई कि भाई वो कैसे लोग हैं, कि कहां हमारे बाबा की कमी रह गई, कि एक बहुत बढ़िया स्तंभ जिसको तगड़ा स्तंभ कहा जाता है वो हमारे खिलाफ ही खड़ा हो गया, वो संविधान के खिलाफ ही खड़ा हो गया, वो संविधान के बचाने के लिए होता है, वो बिल्कुल उल्टा हो गया उसके हाथ से। तो दो एजिटेशन हमारे हुए हैं, 2 अप्रैल 2018 वाला, और एक इस फॉर्म ने उस एजिटेशन को इतना कामयाब किया कि हम याद करते हैं कि हमारे जवानों ने उस दिन हमारे जितने हजारों साल की जो गुलामी थी वो सारी तोड़ दी। अब जो ये 21 तारीख वाला मामला हुआ, कपिल जी भी थे स्टेज पे, मैं भी था, और हम देख रहे थे कि वो इस किस्म के जो वो चल रहा था मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में, मैं कालका जी में रहता हूं, मैं 30 साल से वहां रह रहा हूं, हमें आने लगी, जितने संगठन हैं किसी को मालूम नहीं हुआ, और जब सत्यानाश हो चुका केस का तब कॉल हुई, और वो कॉल को भी बहुत अच्छी तरह से इज्जत दी गई, और इतना बढ़िया किस्म का एक माहौल था 21 तारीख को कि हम फूले नहीं समा रहे थे कि बहुत बढ़िया कामयाब हुआ। पर मैं देख रहा था कि एक जिप्सी आई थी, मेरे भाई हूँ, मुझे माफ़ करना, मैं तो फिर कहता हूँ डरपोक आदमी हूँ, मैं बाबा साहब का बिल्कुल मानने वाला आदमी हूँ, बुद्धिस्ट तो मैं नहीं बन पाया इतना बड़ा, पर अम्बेडकर को मैंने गहराई से पढ़ा है, उसने कभी लाठियां नहीं चलाई, बड़े से बड़े चतुर से चतुर बनिया, और सारे के सारे ब्राह्मण, चाहे मालवीय हो, चाहे नेहरू हो उसका बाप हो, या सीराज गोपालाचारी हो, या जयकर हो, या वो क्या नाम जो है सुनील नायडू हो, कौन नहीं था, सारे तो ब्राह्मण थे, और एक गांधी की बात, सारे चौगर देखो के गांधी को फीड किया करते थे, और बाबा साहब को वहां पे एक झुकाव बाबा साहब का हुआ 1932 में, जबकि अंग्रेज उसके पीछे खड़ा था, अंग्रेज उसके पीछे खड़ा था, अगर फिर झुकना पड़ गया तो आप स्थिति ध्वान देख सकते हो कि ये देश कैसा है, यहां के लोग कैसे हैं, इनकी मानसिकता कैसी है, और क्यों बाबा साहब झुके हूं। खैर वो तो हमें भुगतना पड़ेगा, और भुगत भी रहे। मैं सुन रहा था, शायद रात को ही मैं सुन रहा था काशीराम जी को, वो शायद 1992 में बोल रहे थे नागपुर में, 27 अप्रैल की तारीख की बात है, वो कह रहे थे मैं तो नौकरी करने आया था पूना में, मैंने तो ज्योतिबा फूले का नाम और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी आपसे सुना है, वो नागपुर वालों को बोल रहे थे नेताओं को, और आपसे सीखने के बाद मैं नॉर्थ में गया, और जब मैं कहता था कि हमने इस देश के आपको हुक्मरान बनाना है, तो आप लोग ये कहते थे
ये हो सकत नहीं, ये हो सकत नहीं। और जब मैंने चार बार नो बना दिया है, बारहवा तक तो नहीं बनी थी सरकार, जो बात की बातें हैं, उसने कहा कह रहा कि मैं इसको बना के रहूंगा। और नॉर्थ में जो है मैंने अपना सगे सगे ढूंढ ली है और अब हो सकत है, हो सकत है हम देश के शासक बन सकते हैं। तो ये एक जरा सी बात को लेकर चले, पॉजिटिविटी लेकर चले, जिसको पूरा महाराष्ट्र, पूरा अम्बेडकर वाद ये कह रहा था ये नहीं हो सकता, उस आदमी ने करके दिखाया। तो कुछ तो अमिया थी, वो अमिया क्या थी, उन्होंने प्रण किया कि मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, उन्होंने प्रण किया मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं किसी शादी में नहीं जाऊंगा, मैं किसी के मरने पर नहीं जाऊंगा। आज वो बात नहीं रही, आज कमियां हैं, एक वैक्यूम है। हम तलाशते उस वैक्यूम को और सलाम करते हैं कि ये कहां पर खत्म होगा। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।